दोस्तों, आज हम यहाँ सुधांशु कुमार जी के घर आए हैं और इनका है फरीदपुर फाड़ी के पास इनका घर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके यहाँ एक करैत सांप, बहुत बड़ा करैत सांप है दोस्तों, और बहुत जहरीला इनके यहाँ खाली बने में स्नेक है। तो बने रहिए फिर इस वीडियो में, हम इस करैत का रेस्क्यू करते हैं। अब आप लोग शांत रहिए। वो झटके में है, भूल नहीं सकता है, कारण है ना अंदर भूलने का। नहीं, बहुत एक्टिव सांप है। बहुत एक्टिव सांप है, बहुत फुर्ती लाना, बहुत पकड़ लेना है। बहुत एक्टिव सांप है। ठीक है, वीडियो ठीक है। आप लोग घबराइए ना, हड़बड़ाइए ना, हमको शांति से रहिए, कुछ मैं आवाज निकाल दूँ, हम पकड़ लेते हैं। ढक्कन दे दो, जगह निकालो पहले से। बेहतरीन कुछ नीचे प्लेट वगैरह तो आपने देखा फ्रेंड्स, ये एक इंडिया का वेरी हाईली पॉइजनस स्नेक है, कॉमन इंडियन करैत बोलते हैं इसे, और अक्सर रातों में ही ये निकलते हैं और गलती से इंसानों के बगल में चले जाते हैं और गर्मी लेने के लिए, और अगर इंसान करवट ले लेते हैं तो काट लेते हैं। और इसके काटने पर दोस्तों पता नहीं चलता है, लगता है जैसे चींटी या मच्छर ने काटा है, और आदमी अगर मसाज कर दे तो उसे कुछ अनुभव नहीं होता है। लेकिन ऐसा काटा हुआ सांप अगर 3 से 4 घंटे हो जाते हैं फिर उनको बचाना नामुमकिन हो जाता है। तो थोड़ा सावधान रहिए दोस्तों, और बरसात का समय है, आप देख सकते हैं बहुत ही साफ सुथरा घर है, लेकिन फिर भी ऐसे घर में अगर करैत सांप दिखे तो इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको हमारे स्नेक रेस्क्यू वीडियो? अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों, जिससे आने वाले समय में ऐसे और भी सांपों की जान बचाई जा सके। मिलते हैं अगली बार फिर से नए स्नेक के साथ। आपका अपना स्नेक लवर निर्मल कुमार, धन्यवाद।